हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इट्स मी अंबर। टुडे जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो आपके साथ करूँगी नीम टोनर की। नीम का टोनर बनाना सिखाऊँगी कि आप किस तरह से अपना नीम का टोनर घर में बना सकते हो। ओके, मैंने अपनी फेस पर भी अप्लाई किया हुआ है। आईज मैंने इसीलिए क्लोज़ की हुई है क्योंकि मेरी आई में चला जाए तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ओके, इग्नोर इट। और मेरे चीक्स में ना डार्क स्पॉट्स हो गए थे, तो मैं 15 डेज से इसको यूज़ कर रही थी तो मेरे डार्क स्पॉट्स थोड़े लाइट हो गए, तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने तक लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। लड़कियाँ अक्सर हमारे होते हैं कि लड़कियों को यही प्रॉब्लम होती है, बट लड़का हो या लड़की दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम्स ही होती हैं। और फिर वो टैंस लेके बैठ जाते हैं, कलर तो फेयर हो जाते हैं उनकी क्रीम से, लेकिन उसके बाद उनके फेस का जो हाल होता है, पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, किसी को बम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे बम्स पिम्पल्स को ट्रीट करता है, हमारे जैसे फेस पर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उनको ट्रीट करता है, वाइट हेड्स हो जाते हैं उनको ट्रीट करता है, ब्लैक कैट्स हो जाते हैं उनको ट्रीट करता है। चलें स्टार्ट करते हैं। बाउल में पानी ले लिया है, फिर उसके बाद मैं नीम के जो जितने भी लीव्स हैं इसके अंदर डाल के इसको वॉश करती हूँ। ओके, नीम के जितने लीव्स हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, अब बहुत अच्छे तरीके से हमें इसको वॉश करना है। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको है ना सोक करके पानी में रख दिया ताकि जितनी भी डस्ट होगी इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगी। और आपने देखा होगा मैंने पूरा बंच इसके अंदर यूज़ किया है, यानी कि हमें एक से दो सिर्फ लीव्स लें, यानी दो टहनी लेनी है, नहीं पूरा बंच मैंने इसके अंदर डाल दिया था और इसको सोक करके रख दिया। अब इसमें से डस्ट जो है वो रिमूव हो गई होगी। पैन में मैंने 1.5 कप पानी लिया था, पानी लेने के बाद इसको जितना भी नीम था इसके अंदर डाल दिया और उसको बॉईल करने के रख दिया। मैं इतना बॉईल करूँगी कि 1 कप पानी रह जाए। पानी रह गया था तो फिर मैंने उसका फ्लेम जो है वो बंद कर दिया था क्योंकि 10 to 20 minutes तो मैंने उसको पकाया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। फिर उसके बाद मैंने इसको रख दिया थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, ठंडा हो गया तो फिर मैंने कोई भी आप एम्प्टी बॉटल ले लो, मेरे पास ये एम्प्टी बॉटल स्प्रे वाली थी तो मैंने इसके अंदर इसको शिफ्ट कर दिया। अब ये देखिए इस तरीके से ये बना है। अब इसके बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ। जब बात इसके बेनिफिट की आती है तो नीम के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर एंटीसेप्टिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है, एंटीसेप्टामाइन होता है, एंटीफंगल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात इसके अंदर होती हैं जो आपकी स्किन को ट्रीट करती हैं। आपकी स्किन पे पिंपल्स बाउंस हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बहुत सारे तरह के पिंपल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो होते हैं उनको ट्रीट करती है। ओके, मैं बताती हूँ किस तरह से यूज़ करना है। आपने 3 पम्प ये जो टोनर बनाया मैंने नीम टोनर इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इसको फिंगर से स्किन के अंदर अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है, स्प्रेड करके अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाना है। आप इस तरह से करोगे पेनिट्रेट हो जाएगा स्किन के अंदर और हल्का सा आप टैप 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 दे के स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाओ। मैं ऐसे करके ही स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाती हूँ। ये आपके डार्क स्पॉट्स उनको रिमूव करेगा, वाइट हेड ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा, आपके एक्ने को ट्रीट करेगा। बहुत अच्छा आपको 1 वीक में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसको यूज़ कैसे करना है, 1 वीक का बना के फ्रिज के अंदर रख लीजिए और डेली के 2 इस्प्रे अपने फेस के ऊपर करिए, देखिए रिजल्ट 1 वीक में ही आपके सामने आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।